हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को ब्रीफ में पढ़ेंगे। देखिए, कॉलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कॉलबर्ग है और इनके द्वारा मॉरल डेवलपमेंट की ये जो थ्योरी दी गई है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट का टॉपिक है विच यू कैनॉट स्किप, और इसको अच्छे से आपको करना है। देखिए, लॉरेंस कॉलबर्ग का जो वर्क है, वो पियाजे का जो वर्क है उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। ठीक है, पियाजे के द्वारा यहाँ पे मैं बात करूँ तो टू स्टेजेस दी गई थी। किसकी टू स्टेजेस यहाँ पे दी गई थी? प्रोसेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, जिसमें पियाजे ने उन दोनों स्टेजेस को मॉरल डेवलपमेंट की बहुत ही उम्दा तरीके से डिस्क्राइब किया था। तो उसी काम को बुनियाद बनाकर यहाँ पे कॉलबर्ग ने क्या किया, अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी निकाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लॉरेंस कॉलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, ये पियाजे का ही कंटिन्यूड पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर कॉलबर्ग बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। ठीक है, कितनी स्टेजेस में? 6 स्टेजेस में होता है और थ्रू आउट द लाइफ होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बंद हो गया है। इवेंचुअली अगर हम बात करें तो आप ये लगा लीजिए बर्थ से शुरू हो जाता है और उसके बाद ये आपके लाइफ लॉन्ग चलता है, आपकी ग्रेव तक आपके लाइफ लॉन्ग चलता रहता है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है। 6 स्टेजेस यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब ये जो 6 स्टेजेस है, ऐसा ही नहीं है सिंपली इनको हम लिख देंगे, इन 6 स्टेजेस को 3 लेवल में डाला हुआ है। ठीक है, मतलब हर एक लेवल में 2 स्टेज है। 3 लेवल, 6 स्टेजेस, 3 लेवल में अगर आप हर एक में 2 देखेंगे तो 3 × 2 = 6 स्टेजेस यहाँ पे हो जाती हैं। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और इनके लिए स्टेज का और लेवल का एक टेबल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक की डिमांड है, और इस टेबल को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो ये कुछ इस तरीके का टेबल है। ठीक है, हाफ इस पेज पे ड्रॉन है, हाफ नेक्स्ट पे है, मैं आपको समझाती हुई चलती हूँ। पहली लेवल यहाँ पर है प्री कन्वेंशनल, जिसके अंदर स्टेज 1 और स्टेज 2 है। यहाँ पे देखिए, स्टेज 1 है ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज, और इंस्ट्रूमेंट एट ओरिएंटेशन की स्टेज। ठीक है, इनके बारे में अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे ये है क्या। अभी सिर्फ आप नाम याद करें कि लेवल 1 के अंदर स्टेज 1 और 2 है और उनके नाम ये हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट लेवल है हमारा कन्वेंशनल, जिसके अंदर स्टेज 3 और स्टेज 4 है। स्टेज 3 होती है गुड बॉय, गुड गर्ल या नाइस गर्ल या नाइस बॉय की स्टेज, और स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की स्टेज, या जिसको अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर की स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहीं पे इस टेबल में आगे बढ़ेंगे। लेवल 3 कौन सा है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसके अंदर स्टेज 5 और 6 है। स्टेज 5 का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और स्टेज 6 का नाम है प्रिंसिपल कॉन्साइंस, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन स्टेज। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे हम लेवल के बारे में और फिर उसकी स्टेजेस के बारे में, कुछ इस तरीके से। लेवल 1 कौन सा है? प्री कन्वेंशनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही छोटा बच्चा इसके अंदर आता है। ठीक है, जो बच्चा, जिसको कुछ नहीं पता है दीन दुनिया का, और वो मोरालिटी सीखता है। वो सीखता कैसे है मोरालिटी? जो भी लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो एट द प्री कन्वेंशनल लेवल वी डू नॉट हैव पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी। अपना बच्चे का कोई भी पर्सनल नहीं होता है, या कोई भी इंडिविजुअल है उसका कोई भी अपना मोरालिटी का कोड नहीं होता है। जैसी सोसाइटी में वो रहता है, जैसे एडल्ट्स उसके आसपास होते हैं, उस तरीके का उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट सपोज अगर कोई ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहता है जो कि चोरी करते हैं,
तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो इंसान भी चोरी करने की हैबिट डेवलप कर लेगा। और एक सोसाइटी जहाँ पे एक इंडिविजुअल के आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि बिल्कुल चोरी में बिलीव नहीं करते हैं, सत्य के पाथ पे चलना है, यानी कि ट्रुथफुल लाइफ जीनी है, गलत काम नहीं करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो इंसान हमेशा अपने मॉरल्स को फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पे वही बात हो रही है कि जिस तरीके के एडल्ट्स या इर्द गिर्द आपके लोग होंगे उसी तरीके का मॉरल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज की तरह बच्चा होता है, और जिस तरह के लोगों के इर्द गिर्द होता है उसी तरीके का बच्चा बन जाता है, राइट। देखिए यहाँ पे इसकी स्टेजेस ये रही, लेवल्स ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन है नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्या करेगा, उसको लाइक कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा राइट रॉन्ग में, और वो पनिशमेंट्स को अवॉइड करने के लिए कोई गलत काम नहीं करेगा, या जो भी चीज़ है जिससे उसको पनिशमेंट मिलेगी उसको अवॉइड करेगा, ठीक है। अब वो गलत काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज वो करेगा। यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट हुआ नहीं है। देखिए आप कोई भी गलत काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है उसकी क्या होगा, उस वो करना गलत होगा, आपके अंदर अपना दिमाग है, आपको पता है सही गलत में डिफरेंस, राइट। बच्चे को वो नहीं पता होता है और वहाँ पे सिर्फ वो पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम नहीं करता है। लेट सपोज ज़्यादा शुगर खाने से, ज़्यादा चीनी खाने से दांत खराब होते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पे उसको पता है कि अगर मैंने चीनी खाई तो मेरी मम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी और हो सकता है मुझे पनिश करे, तो इसलिए वो बच्चा मम्मी की चिक चिक से बचने के लिए और मम्मी उसे डांटे ना, तो इसलिए उस पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा जो है चीनी नहीं खाता है ज़्यादा, ठीक है। वहीं पे एक बच्चा या एक इंडिविजुअल जब उसको ये पता चलता है कि भाई अगर मैं ज़्यादा चीनी खाऊंगा तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है, मेरे को कैविटी हो जाएगी और प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए अगर वो चीनी नहीं खाता, इसलिए वो शुगर नहीं खाता है, तो यहाँ पे होता है मतलब उसका मॉरल डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए एक इंडिविजुअल वो काम करता है सही काम, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, इसको बेसिकली प्री स्कूल एज बोल दिया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट शिफ्ट टू रिवॉर्ड रेदर देन पनिशमेंट, इफेक्ट इज मेड टू सिक्योर ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर वन सेल्फ। यहाँ पे अब एक इंडिविजुअल देखता है कि भाई मुझे सही काम करने से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, राइट, और अगर मैं गलत काम करूंगा तो पनिशमेंट तो मिलेगी, वहां पनिशमेंट से बचने के लिए काम सही क्यों चुन रहा था, और यहाँ पे सही को रिवॉर्ड पाने के लिए चूज करता है बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है। स्टेज वन, पनिशमेंट ओबीडियंस एंड ओरिएंटेशन। देखिए अगर आपको थ्योरी बेस्ड अगर एग्जाम में लिखना है तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाकर लिखें। आई एम शोइंग यू द प्रॉपर नोट्स इन द लेक्चर। तो इस स्टेज में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स को ऑबे किया जाएगा, ना कि इसलिए क्योंकि अंदर से गट फीलिंग आए, मॉरल डेवलपमेंट हो, उसके बेसिस पे नहीं, ठीक है। मतलब आपका अभी पता नहीं है कि गलत और सही में क्या फर्क है, ठीक है। आपने गलत काम इसलिए नहीं किया ताकि आपको पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि आपको पता है आप गलत करोगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है या मे बी आपको कोई पनिशमेंट और कोई मिले, ठीक है। लेकिन आप दिल से वो काम नहीं करना चाहते हो, आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं रेड लाइट का। देखिए कुछ लोग यहाँ पे रेड लाइट को वाइल्ड ड्राइविंग जंप कर देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर कैमराज लगे हैं या पुलिस मैन खड़े हैं, ट्रैफिक मैन खड़े हैं, तो वो उस रेड लाइट को जंप नहीं करेंगे। अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो गलत काम कर देंगे। वहाँ पे क्या है, उनका मॉरल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है, वहां पे वो लोग पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम करते हैं, ना कि उनको अंदर से फीलिंग आती है कि भाई गलत तो गलत है, कि कोई देख नहीं रहा है तो भी ना करे, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि पनिशमेंट से बचने के लिए सिर्फ यहाँ पे सही काम किया गया। स्टेज टू यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटल
रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, जैसा कि आप देखा कि यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है बेसिकली, और रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है. इन दिस स्टेज द पर्सन इज सेट टू जज द मॉरेलिटी ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन हाउ इट सेटिस्फाई द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द डूअर. फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन स्टील्स मनी फ्रॉम अनदर पर्सन बिकॉज द नीड्स दैट मनी टू बाय द फूड फॉर हिज हंग्री चिल्ड्रेन. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो चोरी करता है. ठीक है, वो चोरी क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे उस इंडिविजुअल को अपने फैमिली का पेट भरना होता है, उसके बच्चे भूखे होते हैं, उनके लिए वो चोरी करता है. इन कॉलबर्ग्स थ्योरी द चिल्ड्रेन टेंड टू से दैट दिस एक्शन इज मॉरली राइट बिकॉज ऑफ द सीरियस नीड ऑफ द डूअर. देखिए यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ी ऐसा करने की, क्योंकि वहां पे सीरियस थी, अगर वो खाना नहीं खाते तो भूखे मर जाते, राइट. तो यहाँ पे इस चीज को गलत नहीं बोला जाएगा, मॉरली ये चीज ठीक होगी. ठीक है, तो ये कॉलबर्ग की थ्योरी में बोला गया है. इसी पे देखिए अब अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो रहेगा हाइंस डायलेमा. तो उसका भी कॉलबर्ग की थ्योरी वहां पे भी दिया गया है कि किस तरीके से हाइंस की एक स्टोरी है, उसमें भी वो ऐसे एक डायलेमा में फंस जाता है और वहां पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या वो जो काम हाइंस ने किया वो मॉरली ठीक था या नहीं. तो हाइंस की स्टोरी सुनने के लिए आपको ये कल का लेक्चर जरूर देखना है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब है लेवल टू. देखिए लेवल वन यहाँ पे खत्म होता है, हमने लेवल वन के बारे में पढ़ा और लेवल वन की स्टेज वन स्टेज टू दोनों के बारे में पढ़ा और अच्छे से आपने देख भी लिया कि किस तरीके से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे भी. अब लेवल टू है यहाँ पे कन्वेंशनल. एट द कन्वेंशनल लेवल वी बिगिन टू इंटरनलाइज द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यू एडल्ट रोल मॉडल. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्कूल एज स्टार्ट हो जाती है एक बच्चे की. ठीक है, हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से ही मॉरल डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी करेंगे, क्योंकि देखिए एज अ टीचर हमें इसको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है बिल्कुल. ठीक है, अब यहाँ पे स्टेज आई, कौन सी स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, कन्फर्मिटी एंड इंटरपर्सनल एकॉर्ड स्कूल एज. और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इसकी, द गुड बॉय एंड गुड गर्ल एफर्ट्स इज मेड टू सिक्योर अप्रूवल एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन एट विद अदर्स बेसिकली. यहाँ पे देखिए गुड बॉय और गुड गर्ल या नाइस गर्ल नाइस बॉय, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अब यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा नजरों में अच्छा बनने के लिए, मतलब कि सब उसको अच्छा बच्चा अच्छा गर्ल अच्छा बॉय बताएं, इसलिए काम करता है. ठीक है, सबकी नजरों में अच्छा गुड बनने के लिए. इसके बाद यहाँ पर है स्टेज फोर, जिसको अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर स्टेज बोला जाता है. ये भी स्कूल एज है प्रॉपरली. अब बच्चा देखिए और बड़ा हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, देखिए बच्चे को अब सोशल ऑर्डर पता चलता है, इंटरपर्सनल एकॉर्ड जो होता है बच्चे का वो एक्सपैंड होता है. समझेंगे दोनों स्टेजेस को ब्रीफ में इनके नोट्स के साथ. अब देखिए यहाँ पे इस स्टेज में जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चा अच्छा गुड बॉय और गुड गर्ल की इमेज के लिए बहुत काम करता है. जैसे कि एक बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, उसको कोई भी एक एग्जांपल है कि कोई बेगर उसको दिखता है. ठीक है, स्ट्रीट पर रोड पर, और उसको पता है वो भूखा है, तो वहाँ पे वो अपना लंच उसको दे देता है सो दैट वो अपना पेट भर सके. ऐसा बच्चा क्यों करता है, क्योंकि वो अब सबकी नजरों में या सोसाइटी में कैसा बनना चाहता है, गुड गर्ल या गुड बॉय बनना चाहता है, एंड दैट इज वाई वो ऐसे काम करता है. ठीक है, अब स्टेज फोर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर की स्टेज. देखिए इस स्टेज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी. एक पुलिसमैन है जिसको कुछ काम के लिए रिश्वत दी जाती है, लेकिन वो रिश्वत लेने से मना कर देता है. क्यों मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है ये काम गलत होगा. ठीक है,
ऑल्दो उसको पैसे की नीड हो या ना हो वो चीजें सेपरेट हैं, बट वो ऐसा नहीं करता है, वो करप्शन वाला पैसा नहीं लेता है, क्योंकि वो ही ऐसा करेगा जो तो यहाँ पे पीस और जो एक सोशल नॉर्म्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो उसकी ड्यूटी है ये काम नहीं करना। तो अंडर द टेबल जो उसको पैसा दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और रिटर्न में क्या करता है, जो उसको ये करप्शन या पैसा देने की कोशिश करता है अंडर द टेबल, उसको जेल में डालता है। ठीक है, अगला यहाँ पे लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, एंड अभी आपको पता चलेगा ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो टीन्स एडल्ट्स आप इस एज में लगा सकते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो लास्ट वाली स्टेज आप देखोगे वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल जजमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ चॉजन प्रिंसिपल्स, कि वो खुद से क्या चुनता है अपने लिए। देखिए आप अपने इर्द गिर्द भी देखना, बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो अपने उसूलों पर चलते हैं। वो जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे, चाहे कैसे भी हालात आ जाएं या चाहे और कुछ भी हो जाए। ठीक है, स्टेजेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेज है फिफ्थ स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ठीक है, टीन्स और एडल्ट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं इसमें। अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टेज है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है यहाँ पे। म्यूचुअल बेनिफिट कैसे, देखिए अगर आपको कहीं से बेनिफिट मिल रहा है तो आप भी बदले में कुछ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। बाकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, मॉरली राइट एंड लीगली राइट आर नॉट ऑलवेज द सेम, यूटिलिटेरियन रूल्स दैट मेक्स लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। और यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ये बिल्कुल हटके है, बहुत यहाँ तक पहुँचना हर एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। पहले स्टेज 5 के बारे में डिस्कस करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इन दिस स्टेज द पर्सन इज लुक एट वेरियस ओपिनियंस एंड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल बिफोर कमिंग अप विद द डिसीजंस ऑन द मोरालिटी ऑफ द एक्शन। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एक जज का। देखिए जज ऐसा नहीं है, उसने एक पक्ष की बात सुनी और फैसला ले दिया, बहुत सारी हियरिंग्स होती हैं, वो दोनों जो पार्टीज होती हैं उनकी बात सुनता है अच्छे से एक जज, और उसके बाद किसी फैसले पे पहुंचता है। राइट, तो यहाँ पे कहने का मतलब है आप सामने वाले की भी नज़र से सिचुएशन को देखते हैं, उसके जूते में भी अपना पाँव डाल के, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो यहाँ पे है कि आपको आपकी गवर्नमेंट देती है बहुत सारी फैसिलिटीज। राइट, जैसे कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको राइट्स प्रोवाइड कराते हैं, आपके पास आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और अदर राइट्स भी हैं, उसके बदले में आपको यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को फंडामेंटल ड्यूटीज को ओबे करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको उनसे कुछ मिल रहा है तो आप भी बदले में कुछ करते हो। तो ये चीजें होती है मोरालिटी बेसिस पे। ठीक है, अब आप देखोगे गवर्नमेंट हमारे लिए पार्क्स बनाती है, रोड्स बनाती है, ठीक है, बट क्या होता है कुछ लोग वहां पे गंदगी मचा देते हैं, यानी कि कूड़ा फेंक देते हैं, ठीक है, या और उसको वहां से चोरी कर लेते हैं कुछ पौधे वगैरह, या और भी चीजें आप देख सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे ये मॉरली करना ठीक नहीं होता है। अगर हमसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज गवर्नमेंट ने बोला है कि गंदा नहीं करना है, स्वच्छ रखना है, तो वो हमारा मॉरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी गवर्नमेंट का उसमें साथ दें, क्योंकि हमें प्रॉपर पूरे तरीके से हमारे राइट्स गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं,
तो ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। जो लोग इसको फॉलो करते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि भाई हाँ, गवर्नमेंट हमें बहुत कुछ दे रही है, पार्क्स वगैरह भी मेंटेन करती है, पार्क्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया भी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको क्लीन रखना। तो अगर इतना एक पर्सन मॉरल बेसिस का है तो वो इस स्टेज तक पहुंचता है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो क्यों मैंने कहा कि बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो जो लोग ऐसी चीज़ें ओबे करते हैं, सामने वाले की ओपिनियन से सोचते हैं, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को उसकी से सोचते हैं, तो वो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऐसा बेसिकली देखिए सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ टीन्स की, तो टीन्स देखिए ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप देखेंगे चाइल्डहुड तक बच्चा बहुत सेल्फिश होता है। देखिए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको समझा रही हूँ और एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रही हूँ, ठीक है। आगे है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की स्टेज। अब देखिए यहाँ तक तो पहुँचना बहुत ही कम लोगों के बस की बात होती है। क्यों? यहाँ पे देखिए वो लोग हैं जो बिल्कुल उसूलों पर ही चलते हैं और औरों के हित में काम करते हैं, इवन अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं बाकी लोगों के लिए, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। आज के टाइम में जो लोग आर्मी में हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि जो यूनिवर्स के जो एथिकल प्रिंसिपल हैं उनको चुनते हैं और अपनी लाइफ को उनके लिए सेक्रीफाइस करना जानते हैं। फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वो इन कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लगते हैं एक इंडिविजुअल के, राइट। तो ये रही हमारी लास्ट और सिक्स्थ स्टेज, राइट। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा एंड आपको नोट्स एंड लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप इस सब्जेक्ट के अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नंबर आप सभी के सामने फ्लैश हो रहा है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।